दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप सभी खूब जमकर मेहनत करें ताकि आप सभी डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर पाएं, अपने तथा अपने माँ बाप के सपने को साकार कर पाएं। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सभी को पता था कि NMC ने फरवरी के मंथ में ये अनाउंस किया था कि जो देश के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीम्ड कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो उन कॉलेजेस की जो 50% सीट्स होगी उनकी फ़ीस अब NMC डिसाइड करेगी, सुपरविजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो उसके बाद इस बात को PM मोदी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। तो फाइनली बच्चों में डाउट था कि रूल कब से अप्लाई होगा, तो ये रूल अप्लाई हो चुका है। जी हाँ, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है अपनी ऑफिशियल साइट पर ये एक नोटिस रिलीज की है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, और 15th of July तक ये डिक्लेयर करने के लिए बोला गया है जो कि क्या फीस डिसाइड की जाए ताकि फी को फिक्स कर सकें और बच्चे आसानी से उस फी को अरेंज कर MBBS का प्लान कर पाएं। क्योंकि जब भी आपका नीट एग्जाम 17 को हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, तो एक बैग एक अमाउंट को कलेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है कि 15th of July तक जो है जो वहाँ की स्टेट मेडिकल वो काउंसिल है वो MBBS की फ़ी को डिसाइड करे और वो पब्लिक करे ताकि बच्चे जिनको MBBS करना है प्राइवेट कॉलेज से या डीम्ड कॉलेज से तो वो उस फी को अरेंज कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपडेट है। अब देश के वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा रिच नहीं हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वो भी प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड कॉलेजेस से MBBS कर पाएंगे, क्योंकि अब प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज की जो 50% सीट्स हैं उनकी फ़ी को गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस पूरे मैटर पे आपका क्या ओपिनियन है और क्या आप चाहते हैं कि देश के जो अदर स्टेट हैं वो भी जल्दी से इस रूल को अप्लाई करें, क्योंकि उड़ीसा ने इस रूल को अप्लाई करने का पूरा प्लान कर दिया है और मे बी 15th of July तक जो है ऑफिशियल फी को डिसाइड कर दिया जाए। फिलहाल के लिए छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।